हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कम ऑन न्यूरॉन। आई एम अनीशा राठौर, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एम्स कल्याणी। सो द मेन फोकस ऑफ टुडेज वीडियो इज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप सिलेक्शन भी नहीं ले सकते। बट सम पीपल से कि यार नहीं, विदाउट कोचिंग भी यू कैन गेट अ डिसेंट रैंक। सो मैं अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज आज शेयर करूंगी, मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी जो मैंने कोचिंग से सीखा है, या कोचिंग्स के अंदर जो मैंने प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। प्रोज, सबसे बड़ी चीज मेरे लिए ये थी, आई वॉज वेरी बैड एट मेकिंग स्केड्यूल्स एंड फॉलोइंग देम। सो मेरे से नहीं हो पाता था कि मैं रोज एक चीज को फॉलो कर पाऊँ, रोज उसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाऊँ। सो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी कि यार मुझे पता था मेरे से खुद से तो नहीं हो पाएगा घर पे बैठ के, कि मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगी। सो मैं सुबह उठ जाती थी तो मेरा उठने का टाइम फिक्स हो गया था, देन फिर पूरा 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं कोचिंग में रहती थी, तो उसे सिटिंग आवर्स मेरे इंक्रीज हो गए थे ऑब्वियसली, ठीक है। फिर उसके अंदर जो कंसेप्ट्स बताए जाते थे तो मेरे कंसेप्ट्स काफी क्लियर हो गए थे, नहीं तो खुद से जाके रिसोर्सेज पे रिसर्च करके फिर मैं पढ़ूं, इतनी मैं मेहनत करने वाली उस टाइम तक नहीं थी। सो ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज में जाके आप ये सब खुद सीख जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ेगी, सो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, नीट के टाइम तक मैं वैसी बिल्कुल नहीं थी, तो मुझे ये हो जाता था कि हाँ आज ये चीज़ पढ़ाई है तो मुझे आज ये चीज़ पढ़ लेनी है, और जब क्वेश्चंस करने होते थे तो मैं वो क्वेश्चंस कर लेती थी आराम से, बिकॉज मेरे को ये था कि मेरे को नेक्स्ट डे जो क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा क्लास में उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सो फॉर दैट मैं आराम से पढ़ लेती थी और मैं बहुत कंसिस्टेंट रहती थी। और स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम की, नीट एग्जाम की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, इज दैट कि आप पढ़ो, ठीक है, रीडिंग इज अ गुड थिंग, विदाउट रीडिंग और विदाउट क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ नहीं हो सकता, बट यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्पेशली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। विदाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कौन से टॉपिक से पूछता है। सी, हमें पता है कि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, ठीक है, बट स्टिल लोग वही कोचिंग के मॉड्यूल्स चाटे जा रहे हैं। गाइज, इट्स अब और कितना समझाए यार कोई, कि एटलीस्ट बायोलॉजी के अंदर आपको उन कोचिंग के मॉड्यूल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, या कोई कोचिंग ऐसा है जो एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें कराता है, सिर्फ उसका मटेरियल पढ़िए। पूरा कोचिंग का, जैसे मैंने एलन ज्वाइन कर रखी थी तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, और इवन आकाश के भी मॉड्यूल्स मैंने पढ़ रखे थे तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप एलन और आकाश के मॉड्यूल्स पढ़ने बैठें, ठीक है, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होंगे। बट ऑन द अदर हैंड उनके पास सेक्शन वाइज क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, उनके मॉड्यूल से मुझे ये पता था कि ये वाला जो सेक्शन है उसके अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, तो वो मेरे को पता था हमेशा से कि हाँ यार ये ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, तो आपको सिर्फ वो करने चाहिए। अगर आपका सब कुछ ही हो गया है तो आप कोचिंग मॉड्यूल्स आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो यार, सीधी सी बात है कि कोचिंग्स ना सिलेक्शन करवाती है ना सिलेक्शंस को रोकती है, ठीक है। कोचिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे जो आपको एनालाइज करने में हेल्प करती है, जो आपको ये याद दिलाती है कि इतने सारे बच्चों में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंपटीशन, वो हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में, ताकि हम कंसिस्टेंट रहें। जब मेरे मार्क्स कम आते थे ना तो मुझे ज़्यादा ऐसा होता था कि यार मेरे मार्क्स कम क्यों आए, मैं और पढ़ूँ, ठीक है। तो आप हर बच्चा को फील कर सकता है कि यार इस बार मेरी रैंक ये आई है, मेरे को नेक्स्ट टाइम अपनी रैंक इम्प्रूव करनी है। और वही अगर आप बिना कोचिंग के ही स्टार्ट कर रहे हो तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिससे आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मैंने ये देखा है कि उनकी फीस बहुत हाई होती है, ठीक है, आप 1.5-2 लाख रुपये एक साल के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे ही करवा देते हो, और एक एप्लीकेशन है जो आपको कुछ ही 1000 रुपये में वो प्रोवाइड करा रही है। सो एक बेटर ऑप्शन है, बट उसके लिए अगर आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, बट आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे इस साल नीट निकालना है, कैसे भी हो जाए निकालना है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कोचिंग से रिलेटेड नहीं है बट मैं बोलना चाहूंगी, वी सी अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स और दिस और दिस, हमने भी बनाई है, ठीक है, आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं, वी ऑल आर गिल्टी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी जिंदगी के, लिटरली अपनी लाइफ के 2 साल कम से कम इस एग्जाम को देना पड़ेगा, उससे कम आप दे नहीं सकते। आप बोलोगे कि नहीं दीदी मैं तो 1 साल में निकालूंगा, तो वो 1 साल तब होगा जब आपने 11th और 12th दोनों के अंदर एटलीस्ट इतनी पढ़ाई करी है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको बस पीवाईक्यूज पे, अपनी गलतियों पे, उन सब चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। लेकिन
अगर आप ये बोलो कि मैंने तो अपना 11th 12th में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने अपनी 11th 12th में बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है, और उस वक्त मेरे को कोई बोलता आफ्टर 12th कि यार तू तो 4 महीने पढ़ ले तेरा नीट निकल जाएगा, भाई हलवा नहीं है, ठीक है, बहुत ही क्लियरली बोल रही हूँ, हलवा नहीं है। 20-22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 20-22 लाख में से हजारों सीट्स है, सिर्फ लाखों सीट्स भी नहीं है, 1 लाख सीट भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ हजारों सीट्स है, उसके अंदर से आप वो बच्चे होगे, वो 0.1% आप होगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वापस आते हैं अपने कोचिंग वाले टॉपिक पे। सो या ये तो हो गई कि हाँ यार एक कंसिस्टेंसी आ जाती है लाइफ के अंदर कि हाँ हमें आज ये पढ़ना है, आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आज डिस्कशन करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अच्छी लगती है या फिर कोई भी एप्लीकेशन की, मैं यहाँ पे सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साथ में एप्लीकेशंस की भी बात कर रही हूँ जो नीट के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सो सबकी साथ में बात करते हुए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है खुद से पढ़ने के बजाय, डाउट सॉल्यूशंस, ठीक। डाउट सॉल्विंग वाला पार्ट होता था ना, उसके अंदर देखो एक तो ये पॉइंट होता है कि आपने क्वेश्चन किया, आपको समझ आया आधा अधूरा और आपने याद कर लिया, ठीक है, बट वॉट इफ कि उसी के आसपास का उसी कंसेप्ट का कोई नया क्वेश्चन फ्रेम करके तुम्हें दे दिया, तब तुम क्या करोगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम अपने डाउट्स, चाहे वो कितना ही छोटा हो, कैसा भी हो, ठीक है, तुम्हें ये लगे कि यार इतनी छोटी सी चीज़ मैं कैसे टीचर से पूछ सकता हूँ, प्लीज़ जाओ एंड आस्क देम। PW से पढ़कर हज़ारों बच्चों ने अपना सपना पूरा किया है डॉक्टर बनने का। इस साल 20,000 बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्लियर किया है PW से। टॉप 100 रैंक के अंदर 7 स्टूडेंट्स हैं PW के, और 700 प्लस लाने वाले 100 स्टूडेंट्स और 650 प्लस लाने वाले 1500 स्टूडेंट्स। PW ने बहुत ही हिस्टोरिकल रिजल्ट दिया है इस बार, और आप सब लोगों की भी हेल्प करने के लिए PW नए बैचेस लेकर आया है। फॉर 11th क्लास नीट एस्पिरेंट्स, अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच ओनली इन 4200 रुपीज। फॉर क्लास 12th नीट एस्पिरेंट्स, लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच ओनली इन 4200 रुपीज। एंड यकीन 2.0 बैच फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो अपना नीट का सपना पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा रोड मैप फ्रॉम 250 टू 650 ओनली इन 4400 रुपीज। इन ऑल बैचेस फिजिक्स वाला आपको प्रोवाइड कराएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जो आपको परफेक्ट बनाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में। 6 days a week लाइव लेक्चर्स, DPPs, डाउट सॉल्यूशंस एंड फॉर्मूला शीट्स, शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज ऑन नीट पैटर्न, 3D ऑब्जेक्ट्स एंड पोल पार्टिसिपेशन फॉर बेटर रिविजन एंड डिटेल प्रिपरेशन, विद टेस्ट एनालिसिस एंड स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड फॉर ग्रोथ ट्रैकिंग, एंड PW मेंटरशिप बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स। अगर आप PW के कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट 150 रुपीज डिस्काउंट। द मेन फोकस ऑफ दिस वीडियो इज कि कोचिंग जरूरत नहीं है, ठीक है, बट इट विल हेल्प। हाँ, अगर तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो कि भाई हाँ मैं पूरे साल कंसिस्टेंट रह सकती हूँ, पूरे अच्छे से अपनी मेहनत कर सकती हूँ, तो फिर तुम आराम से अपनी मेहनत करो यार, कोई वो नहीं है कि तुम घर बैठ के मेहनत नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यू आर समवन जिसने भाई 2 ड्रॉप ले लिए हैं या फिर 11th 12th में भी कोचिंग से लिया है, तुम्हारे पास सारे मटेरियल्स है, नाउ यू आर सीरियस इनफ कि हाँ मैं घर पे बैठ के मेहनत कर सकती हूँ, अब बिल्कुल घर बैठ के मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में फिर से बोलूंगी ये मेरे व्यूज हैं, ठीक है, बट हाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें सेग्रीगेशन आना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। बाकी तुम्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एप्लीकेशन मिल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल रहा है, तुम जरूर ज्वाइन करो, ठीक है, नहीं ज्वाइन करना मत करो। मेन थिंग इज नीट निकालना है, अच्छी रैंक के साथ निकालना है, उसके लिए तुम्हें अपना टाइम तो देना पड़ेगा यार। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोचिंग ज्वाइन करो या नहीं करो, ना कोचिंग सिलेक्शंस रुकवाती है ना करवाती है, वो सिर्फ आपकी मेहनत है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी, ना कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना कोई एप्लीकेशन, कुछ नहीं, ठीक है। आप अगर डेडिकेटेड हो, ठीक है, आपके अंदर आपको पता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, कोई कुछ नहीं रोक सकता। आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन आपको उस जगह जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो कि आपके क्या व्यूज़ हैं कोचिंग्स को लेकर।